नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो रहेगा आइडेंटिटी के ऊपर। लेकिन आइडेंटिटी का ये नहीं है कि हम लोग मोनोलिथिक में आइडेंटिटी सेटअप कर रहे हैं, हम लोग माइक्रो सर्विस में आइडेंटिटी का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेगा। और माइक्रो सर्विस प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं। तो ये तो था कि आज का टॉपिक क्या है। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने मेंबरशिप का 100 रुपीज इंक्रीज किया है, 600 रुपीज की अभी मेंबरशिप स्टार्ट हो गई है। जिनको भी मेंबरशिप लेना है, यानी कि मेंबरशिप प्लान है क्या वो बता देता हूं। मेंबरशिप एक प्लान है जो मैंने एग्जीक्यूट किया है। और ये जो मेंबरशिप है इसके अंदर मैं आप लोगों को ASP.NET Core का कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल, कंप्लीट सोर्स कोड और प्रोजेक्ट बेस्ड जो है मैं आप लोगों को वीडियोस देता हूं, और प्रोजेक्ट बेस्ड कंप्लीट सोर्स कोड भी आप लोगों को दे देता हूं। उसमें सब कुछ होता है, आप लोगों के पास सीखने को बहुत कुछ होता है। बहुत सारे लोग जो है मुझे जो है मेल भी करते हैं कि उनका जॉब लग चुका है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है कि मेरे एक 600 रुपीज के पैकेज की वजह से लोगों का जो है 10 लाख का, 20 लाख का जॉब लग गया है। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसकी जो फीस है वो 600 रुपीज है, लेकिन इसमें ASP.NET Core ही नहीं है, ये लाइफ टाइम अनलिमिटेड कोड है जिसमें आप लोगों को REST API का भी कोड मिलेगा, आप लोगों को एंगुलर का भी मिलेगा, आप लोगों को React का भी मिलेगा, कैसे मैपिंग करते हैं उसका भी मिलेगा, और वो एक स्ट्रक्चर्ड बेस्ड कोर्स मिलेगा 600 रुपीज के अंदर। आगे चलकर इसकी फीस बढ़ेगी, जैसे कि अभी पहले इसकी फीस 500 थी, अभी इसकी फीस जो है वो 600 रुपीज है। तो जिनको परचेज करना है वो अभी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आगे चलकर जब हम लोग AIs के अंदर आएंगे कि हम लोगों को अपने ASP.NET Core के अंदर कैसे AIs को इंटीग्रेट करना चाहिए, कैसे इमेज प्रोसेसिंग करनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इसमें। तो अगर आप लोगों ने अभी मिस किया तो आगे चलकर इसकी फीस हो सकता है 2000 हो जाए, 2500 हो जाए, 5000 तक चली जाए। तो मेरा सिर्फ मानना यही है, जिनको कुछ सीखना है, जिनको कुछ लिटरली कुछ सीखना है और जिनको कुछ आगे बढ़ना है प्रोग्रामिंग फील्ड में, तो वो ये 600 रुपीज का जो आज पैकेज है उनके लिए बहुत ज्यादा कीमती साबित हो सकता है। 600 रुपए में आप लोगों को पता है कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मैं आप लोगों को 600 रुपीज में अनलिमिटेड जो सोर्स कोड की जो फीचर्स है वो प्रोवाइड कर रहा हूं। आगे चलकर इसकी फीस बढ़ेगी, मैंने पहले भी बोला था 500 रुपीज के टाइम 100 रुपीज पहुंचते पहुंचते आप लोगों की फीस हो सकता है कि 200 भी जंप कर जाए। तो मैं यही बोलूंगा, जिनको आज ही लेना है वो आज ही ले लीजिए, क्योंकि आगे चलकर इसकी फीस बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एंगुलर, रिएक्ट ये ही नहीं है, बूटस्ट्रैप, जेक्वेरी, जेएस, ये सब कुछ शामिल होगा। जो सीखना है वो सीखिए, और मैंने एक रोड मैप क्लियर किया है, .NET का रोड मैप है, लाइव जो सॉकेट्स के ऊपर कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं वो भी इसमें शामिल होगी, सब कुछ होगा। ठीक है, तो ये तो था मेंबरशिप। जिनको ज्वाइन करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे फिल कर दीजिए, आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। अब बात आती है कि आज का जो टॉपिक है वो आइडेंटिटी के ऊपर है। आइडेंटिटी को हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करके बताएंगे कि कैसे आइडेंटिटी का कॉन्फ़िगर किया जाता है एक माइक्रो सर्विस प्रोजेक्ट के अंदर। तो एक माइक्रो सर्विस बनाएंगे, माइक्रो सर्विस के अंदर आइडेंटिटी का एक जो है सर्विस ऐड करेंगे, और वो कैसे सर्विस हम लोग ऐड करेंगे वो आप लोगों को बताएंगे। और चलिए हम लोग चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो ये है वो हमारा मेंबरशिप प्लान जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल आप लोगों को देते हैं, बिगिनिंग टू एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल। और इसमें देखिए सी शार्प मेंशन नहीं है, DSA मेंशन नहीं है, सिग्नल आर मेंशन नहीं है, क्योंकि पावर पॉइंट स्लाइड का जो आइकॉन्स था मैं उसमें विजिबल भी दिखाना चाहता था, लेकिन सारे के सारे ऐड नहीं हुए। तो मैं आप लोगों को वर्बली बता देता हूँ, ये कोई साधारण मेंबरशिप नहीं है, अनलिमिटेड मेंबरशिप है जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है सिर्फ 600 रुपीज में, और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी मिलने वाले हैं, हर एक टेक्नोलॉजी को प्रोजेक्ट वाइज समझाया जाएगा। तो अगर आप लोगों को लिटरली कुछ सीखना है, समझना है और एक अच्छी जॉब माना है, ड्रीम जॉब पाना है, तो आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, और अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे फिल कर दीजिए, एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को एक ब्लैंक सॉल्यूशन जो है वो क्रिएट करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए इसमें ब्लैंक जो सॉल्यूशन है, अगर आप लोग देखें तो ब्लैंक सॉल्यूशन इसमें आप लोगों को कहीं नहीं मिले, ब्लैंक सॉल्यूशन दिस वन, ठीक है। और इसमें आप लोगों को ब्लैंक सॉल्यूशन के अंदर आप लोगों को प्रोजेक्ट का, यानी कि सॉल्यूशन का नेम लिखना है। इस सॉल्यूशन के नेम में आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि हम लोग स्टूडेंट के बारे में एक माइक्रो सर्विस बना रहे हैं, उसका ऑथेंटिकेशन जो सर्विस है वो हम लोग बनाना चाहते हैं, तो हम लोग इसका प्रोजेक्ट का नाम रख देंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट, राइट, स्टूडेंट मैनेजमेंट जो है इसका जो नाम है स्टूडेंट मैनेजमेंट हम लोग रख देंगे, ठीक है।
अब हम लोगों को ये जो है ब्लैंक सॉल्यूशन है, इसमें हम लोग जो आर्किटेक्ट जो पैटर्न है वो क्या कहता है कि हम लोगों को ये माइक्रो सर्विस हम लोग बना रहे हैं, तो इसमें हमारे पास गेटवेज भी आएंगे, हमारे पास इंटीग्रेशंस भी आएंगी। तो हम लोग इसमें ब्लैंक सॉल्यूशन के अंदर पहला जो सॉल्यूशन फोल्डर है यानी कि न्यू सॉल्यूशन फोल्डर, वो हम लोग क्रिएट करते हैं यूआई के नाम से, कि हमारा यहाँ पर यूजर इंटरफेस रहेगा। इसके बाद में हमारे पास दूसरा जो सॉल्यूशन फोल्डर रहेगा वो है हमारे पास गेटवे का, जहां पर हम लोग कम्युनिकेशन करवाएंगे। तीसरा हम लोग माइक्रो सर्विसेज के नाम से रख लेते हैं, तो यहां पर न्यू सॉल्यूशन रहेगा माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, इस माइक्रो सर्विस में हम लोगों को पहली माइक्रो सर्विस बनानी है आइडेंटिटी के नाम से, तो स्टूडेंट मैनेजमेंट डॉट हम लोग ऑथेंटिकेशन एपीआई यूज करेंगे। ठीक है, तो न्यू प्रोजेक्ट और यहां पर हम लोग लिखेंगे वेब एपीआई। ठीक है, ASP.NET कोर वेब एपीआई, यहां पर हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट डॉट, यहां पर है हमारे पास जो प्रोजेक्ट है हमारे पास वो किसमें है हम लोगों को ये देखना पड़ेगा। देखिए हमारे पास है दैट इज माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, तो हम लोगों को यहां पर जो प्रोजेक्ट नेम है न्यू प्रोजेक्ट ASP.NET कोर वेब एपीआई वो इस तरीके से रखना पड़ेगा, स्टूडेंट मैनेजमेंट डॉट सर्विसेज डॉट ऑथेंटिकेशन एपीआई, ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम रहेगा, हमारा वेब एपीआई का प्रोजेक्ट रहेगा, .NET 8.0 में रहेगा, ऑथेंटिकेशन टाइप नन रहेगा क्योंकि हम लोग ऑथेंटिकेशन सेट करेंगे इसमें, कॉन्फ़िगरेशन फॉर HTTPS है और ये सारा का सारा है। डू नॉट यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट, तो उसके लिए चेक कर देते हैं, यूज कंट्रोलर लेवल हम लोग यूज करेंगे एंड देन फाइनली हम लोग क्रिएट कर देते हैं। तो जो सॉल्यूशन फोल्डर है उसके अंदर ये प्रोजेक्ट जो है वो हमारा ऐड हो जाएगा और ये एपीआई का प्रोजेक्ट रहेगा हमारा। ठीक है, एपीआई को प्रोजेक्ट को ऐड करने के लिए वेदर फोरकास्ट वाले जो है उसको हम लोग यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर एक डेटा सेक्शन के अंदर एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है वो बनानी पड़ेगी, राइट, वो तो आप लोगों को पता ही है। तो यहां पर हम लोगों को करना क्या है, यहां पर हम लोग एक डेटा डायरेक्टरी बना लेते हैं और इस डायरेक्टरी के अंदर हमारा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट रखेंगे। ठीक है, तो न्यू एम्प्टी फाइल और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट की जगह हम लोग ऑथेंटिकेशन एपीआई कॉन्टेक्स्ट रख लेते हैं इसका नाम। ऑथेंटिकेशन एपीआई कॉन्टेक्स्ट डॉट सीएस फाइल और इसका जो इनहेरिट है, इसको जो इनहेरिट करना है वो किससे करना है हम लोगों को, आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट से करना है। तो पहले आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हम लोगों के पास पैकेज होने चाहिए, तो हम लोग यहां पर आइडेंटिटी से रिलेटेड पैकेज करते हैं, मैनेज न्यूगेट पैकेजेस। इसमें हम लोगों को सबसे पहला जो पैकेज करना है वो कौन सा करना है, यहां पर आप लोग SQL सर्वर लिख सकते हैं और SQL सर्वर के लिए हमारे पास जो पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड और SQL सर्वर, ये वाला पैकेज आप लोग इंस्टॉल करें, आई एक्सेप्ट, ये वाला पैकेज हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं, सॉरी मैनेज न्यूगेट पैकेज, उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं और दूसरा जो पैकेज है वो हम लोगों को अब इंस्टॉल करना है, वो जो है हमारे पास रहेगा दैट इज हम लोग माइग्रेशन भी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रहेगा टूल्स वाला पैकेज। तो माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड और टूल्स वाला पैकेज हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद में हमारे पास तीसरा वाला जो पैकेज है वो JWT का रहेगा, लेकिन वो बाद में हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो डाटा डायरेक्टरी की बात हो गई, तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट हम लोग आइडेंटिटी के लिए यूज कर रहे हैं। सो फाइनली हम लोग यहां पर लिखेंगे कंट्रोल डॉट और यहां पर जो पैकेज है इंस्टॉल पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET कोर डॉट आइडेंटिटी डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ये वाला पैकेज हम लोगों को चाहिए है तो हम लोग इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों के पास एक मॉडल्स फोल्डर होना चाहिए ताकि हम लोग अपना एप्लीकेशन यूजर बना सके इंस्टेड ऑफ हम लोग आइडेंटिटी यूजर काम में ले। आइडेंटिटी यूजर जो है वो डिफॉल्ट क्लास होती है आइडेंटिटी के अंदर, हम लोग अपना वाला क्लास जो है यानी कि एप्लीकेशन यूजर यूज में लेना चाहते हैं, तो इसमें हम लोग न्यू फोल्डर बनाएंगे और उसमें हम लोग लिखेंगे मॉडल्स।
अब यहां पर मॉडल्स के अंदर मैं एक पहला क्लास जो है वो मेरा बना रहा हूँ, दैट इज एप्लीकेशन यूजर। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एप्लीकेशन यूजर डॉट जी एस। इस एप्लीकेशन डॉट यूजर डॉट को मैं यहाँ पर आइडेंटिटी यूजर से इनहेरिट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आइडेंटिटी यूजर और इसमें मैं एक प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ, दैट इज फर्स्ट नेम। तो मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ फर्स्ट नेम एप्लीकेशन यूजर और मैंने ऐड कर दिया इसमें फर्स्ट नेम। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इसमें हम लोगों को कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी है। तो पहले हम लोगों के पास कनेक्शन स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग लिखता हूँ, दैट इज कनेक्शन स्ट्रिंग। और कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर डिफॉल्ट कनेक्शन सर्वर नेम जो है वो मेरा रहेगा लोकल डीबी एम एस सीक्वल लोकल डीबी एंड एम एस सीक्वल लोकल डीबी, ठीक है। उसके बाद में डाटाबेस नेम रहेगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं डाटाबेस है दिस वन, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। हर एक सर्विस के साथ हम लोग डाटाबेस एसोसिएट करके चलते हैं ना, तो इसका जो डाटाबेस है वो हम लोग रख देते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट ऑथेंटिकेशन, स्टूडेंट ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट, सॉरी इसका जो डाटाबेस है वो हम लोग रख देते हैं स्टूडेंट ऑथेंटिकेशन डीबी, ठीक है। ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू रहेगा, मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट ट्रू रहेगा। अभी हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग बन चुका है। कनेक्शन स्ट्रिंग को हम लोग सबसे पहले रजिस्टर करते हैं हमारे प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर। तो यहाँ पर हम लोगों को प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर उसको रजिस्टर करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बिल्डर डॉट सर्विसेस डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट और उसमें हम लोग ये ऐड करेंगे हमारा कॉन्टेक्स्ट फाइल यानी कि ऑथेंटिकेशन एपीआई कॉन्टेक्स्ट। और यहां पर हम लोग इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और उसमें पास करेंगे हम लोग डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर, तो सी टी यू आर इसमें हम लोगों को पास करना है डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस और उसमें हम लोगों को पास करना है यहां पर दिस क्लास, ठीक है। और इसको हम लोग यूज कर लेंगे ऑप्शन से, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर ऑप्शंस लिख लिया, अब यही ऑप्शंस हम लोग इसमें पास कर देंगे बेस क्लास में, इसमें हम लोग लिख लेंगे ऑप्शंस। ये हो गया हमारा। अब फाइनली हम लोगों को क्या करना है, प्रोग्राम डॉट सी एस में चलना है और यहाँ पर हम लोगों को कनेक्शन स्ट्रिंग गेट करना है। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शंस ऑप्शंस डॉट यूज सीक्वल सर्वर और सीक्वल सर्वर का पैकेज हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है। हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है हमारे ऐप सेटिंग्स में, तो बिल्डर से वो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन गेट करेंगे और यहाँ से गेट कनेक्शन स्ट्रिंग और इसमें हम लोगों को गेट करना है डिफॉल्ट कनेक्शन, ठीक है। सो फाइनली हम लोगों ने अपना कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो पास कर दिया है दिस वन डिफॉल्ट कनेक्शन अपने कॉन्टेक्स्ट फाइल के अंदर। सो फाइनली हम लोगों ने पास कर दिया। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग अपना एप्लीकेशन यूजर जो है यूज करना चाहते हैं, सो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे हमारा एप्लीकेशन यूजर, ठीक है। तो एक माइक्रो सर्विस है जो मैं अभी आप लोगों के सामने बना रहा हूँ, लॉगिन की रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। उसे हम लोग यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे और फाइनली हम लोग उसे डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो जिनको अभी ये चीजें जो है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर समझ में नहीं आता है वो ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर भी मैंने ऐड कर दिया है आप लोगों को पता है अपनी मेंबरशिप में, तो वो बेहतर रहेगा कि आप लोग वहां से अच्छा, क्योंकि वो कोड जो है वो कंप्लीट आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अपना एप्लीकेशन यूजर ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डीबी सेट और यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे हमारा एप्लीकेशन यूजर, तो इसको हम लोग बोलेंगे एप्लीकेशन यूजर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये ASP.NET यूजर्स के साथ ही इतना इंटेलिजेंट होता है हमारा EF4 की ऑटोमेटिकली ये EF4 के साथ ही उसको टाई अप करेगा, ठीक है, बाइंड करके चलेगा उसको उसके साथ। अब हमारे पास द नेक्स्ट वन हम लोग यूज करेंगे इसमें, ये तो हो गया हमारे पास ये राइट, और हम लोगों ने कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर ही दी है इसमें, है ना। अब हमारे पास यहाँ पर जो आइडेंटिटी होता है उसको हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, राइट। सो हम लोग उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड आइडेंटिटी
और ऐड आइडेंटिटी के अंदर हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन यूजर और आइडेंटिटी रोल, ठीक है, आइडेंटिटी रोल, और साथ में हम लोग यूज करेंगे ऐड एंटिटी फ्रेमवर्क स्टोर। स्टोर हमारा कौन सा रहेगा, हमारा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट की जगह हमारे पास क्या है, ऑथेंटिकेशन एपीआई कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और ऐड डिफॉल्ट टोकन प्रोवाइडर्स, ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया यहाँ पर हमारा कॉन्फ़िगरेशन कर दिया एपीआई का। अब हमारे पास कंट्रोलर भी चाहिए और हम लोगों को सर्विसेज भी चाहिए ताकि हम लोग जो है ऐड कर सके हमारा यूजर, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक जो सेटिंग की है वो तो एपीआई के बेसिस पे की है, तो हम लोगों को माइग्रेशन लगा देना चाहिए, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टूल्स पर चलते हैं, न्यूगेट पैकेज मैनेजर चलते हैं, दिस वन, और यहाँ पर माइक्रो सर्विसेज ही है, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे एड डैश माइग्रेशन, और ये फर्स्ट माइग्रेशन है, तो हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं इनिशियल। कोई एरर होगा तो हम लोग उसे वॉच कर लेंगे, देख लेंगे। बिल्ड फेल्ड हो गया, ओके, तो मतलब कोई ना कोई एरर है, तभी तो बिल्ड फेल्ड हुआ है, राइट। तो अभी हम लोग सॉल्यूशन पर जाते हैं और बिल्ड सॉल्यूशन करते हैं। बिल्ड सॉल्यूशन में एक एरर है, टाइप और नेम स्पेस नेम वेदर फोरकास्ट, ओके, हम लोगों ने डिलीट किया था वेदर फोरकास्ट को, तो हम लोग इसमें से कंट्रोलर भी हटाना पड़ेगा ना, डिलीट कर देते हैं, ओके। अभी हम लोग यहाँ पर दोबारा से सॉल्यूशन को बिल्ड करेंगे, तो बिल्ड सॉल्यूशन और एयर बिको, सो यहाँ पर हमारे पास कोई एरर नहीं है। पैकेज मैनेजर कंसोल में चलते हैं, फिर से माइग्रेशन अप्लाई करते हैं। माइग्रेशन अप्लाई हो गया, हमारे पास जो क्लासेस थी वो देखे बन चुकी हैं एएसपी नॉट यूजर के नाम से। अब हम लोगों को यहाँ पर पैकेज मैनेजर कंसोल में चलना है और अपडेट डैश डाटाबेस कर देना है। अपडेट डैश डाटाबेस करते ही हमारे पास जितने भी ओप्स यहाँ पर आ गया, ओनली द इनवेरिएंट कल्चर इज सपोर्टेड इन ग्लोबलाइजेशन इनवेरिएंट नोड, ठीक है, पैरामीटर नेम, ओके, इनवैलिड इज इनवैलिड कल्चर आइडेंटिफायर यहाँ पर है, ओके, ये है सिस्टम डॉट ग्लोबलाइजेशन डॉट करंट कल्चर नॉट फाउंड एक्सेप्शन ओनली द इनवेरिएंट कल्चर इज सपोर्टेड ग्लोबलाइजेशन इनवेरिएंट मोड, ओके। तो हमारे पास ये एरर आ रहा है, ओनली द इनवेरिएंट कल्चर, हम लोग इसकी सीएस प्रोज फाइल ओपन करते हैं प्रोजेक्ट की, यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा इनवेरिएंट ग्लोबलाइजेशन ट्रू, ठीक है, तो इसको हम लोगों को क्या करना, हटा देना है यहाँ से। जैसे हम लोग इसको रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद में हम लोग माइग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा से हम लोग जो है अपडेट डाटाबेस करेंगे तो ये माइग्रेशन हम लोगों को अप्लाई करने देगा। तो ये सारी की सारी फील्ड्स जो है वो हम लोगों ने फुलफिल कर दी हैं। तो अभी हम लोगों को करना क्या है, अभी हमारे पास जो है डाटाबेस रेडी है, अब हम लोगों को रजिस्टर और लॉगिन के दो मेथड बनाने हैं, ठीक है, उसके बाद में हम लोगों को टोकन बनाना है। तो अभी हम लोगों को रजिस्टर और लॉगिन के दो मेथड बनाने हैं, उसके लिए हम लोगों को एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, ऑथ कंट्रोलर हम लोग उसका नाम रखेंगे, ठीक है, दैट इज फॉर ऑथेंटिकेशन। तो एक एपीआई कंट्रोलर हम लोगों को बनाना है, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे ऑथ कंट्रोलर, इसका नाम हम लोगों ने रख लिया ऑथ कंट्रोलर। तो अभी हम लोगों के पास है कंट्रोलर बेस क्लास, और इसमें हमारे पास दो चीजें रहेंगी, एक तो रहेगा एचटीटीपी पोस्ट, दिस वन, और यहाँ पर हम लोगों के पास रहे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रजिस्टर, ठीक है, और रिटर्न ओके। एक बार के लिए हम लोग ये सेटअप कर लेते हैं, एचटीटीपी पोस्ट, इसमें हम लोगों को यहाँ पर लिखना है रजिस्टर, ठीक है, और तो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर लॉगिन कर लिया हम लोगों ने, एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लॉगिन जो एचटीटीपी पोस्ट है वो डिजाइन करेंगे, दिस वन, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने ऑथ कंट्रोलर कर लिया, इस बार हम लोगों को करना क्या है, तो यहाँ पर हम लोगों को टोकन सर्विसेज भी हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा,
तो हम लोग यहाँ पर सर्विसेज नाम से एक फोल्डर जो है वो बना देते हैं। ठीक है, सर्विसेज में हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज ऐड करनी है, और जैसे कि हमारे पास जो है, और मॉडल में हमारे पास मॉडल जो है हम लोगों ने ऐड कर दिया है, जैसे कि हमारा एप्लीकेशन यूजर। उसके बाद में हमारे पास डीटीओस हैं, तो हम लोग यहाँ पर डीटीओस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डीटीओस। ठीक है, डीटीओस में हमारे पास सबसे पहला डीटीओ जो आएगा वो यूजर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए डीटीओ आएगा, तो हम लोग वो बना सकते हैं, जैसे कि यूजर रजिस्ट्रेशन डीटीओ। ठीक है, तो हम लोग इसका नाम रख देते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन डीटीओ .cs। यूजर के रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए है, दैट इज ईमेल चाहिए, तो हम लोग को यहाँ पर ईमेल चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारे पास उसका नेम भी चाहिए, सो हम लोग यहाँ पर नेम ले सकते हैं। ठीक है, उसका फोन नंबर हम लोग ले सकते हैं, ईमेल हो गया, यहाँ पर हम लोग उसका नेम ले सकते हैं, उसका फोन नंबर हम लोग ले सकते हैं। तो ये तो हो गया यूजर के रजिस्ट्रेशन डीटीओ, यानी कि हम लोगों को जब यूजर का रजिस्ट्रेशन करना होगा तो हम लोग ये फील्ड्स जो है अगले से फिल करवाएंगे। ठीक है, उसके यानी कि इनपुट डेटा हमारे पास आएगा। उसके बाद में हमारे पास जो डीटीओ होगा, यानी कि यूजर को रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारा डीटीओ क्या कहता है, हमारे पास एक आईडी बनेगा। ठीक है, और वो आईडी जो है वो हम लोगों को यूजर को रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको जो सेंड करना है वो क्या सेंड करना है, दैट इज रिस्पॉन्स डीटीओ। एक रिस्पॉन्स डीटीओ भी हमारे पास होता है ना, तो न्यू एम्प्टी फाइल, एक हमारे पास होता है रिस्पॉन्स डीटीओ, कि कुछ ना हो ये जरूर हम लोगों को सेंड करना है। ठीक है, तो पहला तो है हमारे पास दिस वन इज प्रॉप ऑब्जेक्ट टाइप, और यहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट को यहां पर बता देते हैं दैट इज रिजल्ट। ओके, और दूसरा हमारे पास होएगा कि हमारे पास मैसेज क्या है और एरर मैसेज क्या है। ठीक है, इस एरर के नाम से हम लोग एक बूलियन फील्ड बना लेते हैं। ठीक है, इस और यहां पर हम लोग ये भी बोल देते हैं कि जो रिजल्ट है वो कैसा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बूलियन टाइप मनाते हैं, जैसे कि इज सक्सेस, हुआ या नहीं हुआ, राइट। तो बाई डिफॉल्ट इसमें इस सक्सेस में हम लोग डाल देते हैं ट्रू, ट्रू रहेगा। दूसरा हमारे पास यहाँ पर हम लोग मैसेज भी डाल सकते हैं कि हमारे पास मैसेज क्या है, राइट। तो हमारे पास एरर आएगा तो वो हम लोग मैसेज में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यूज जो है हमारे पास रिस्पॉन्स डीटीओ में आ गई, जो हम लोग अगले को यूजर को भेजेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट रहा जिसे हम लोगों को भेजना है, जैसे रजिस्टर करने के लिए तो हम लोगों को कुछ भी नहीं भेजना है, लेकिन ये दोनों चीजें हम लोग सेट कर सकते हैं, राइट। अब सर्विस में हम लोगों को सर्विस सेट करनी है, तो हम लोगों को ये तो हो गया, समझ में आ गया। तो हम लोगों को कंट्रोलर में चलते हैं, दोबारा से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यूजर रजिस्ट्रेशन डीटीओ, ये आएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ से हम लोग डेटा लेंगे, और हम लोग यूजर डीटीओ ये भी हम लोगों को चाहिए, क्यों चाहिए है उसका रीजन बताता हूँ। आईडी, यूजर नेम, ईमेल, और ये हम लोगों को सेव करवाना है, तो हम लोग एप्लीकेशन यूजर से वो सारा का सारा डेटा गेट कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास सर्विसेज होनी चाहिए, तो इसमें हमारे पास कौन सी सर्विस होगी, एम्प्टी फाइल, आई ऑथेंटिकेशन सर्विस, आई ऑथेंटिकेशन सर्विस। और ये सर्विस जो है इसमें हमारे पास होगा टास्क ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, टास्क ऑफ स्ट्रिंग, और यहां पर लिख देंगे हम लोग यूजर रजिस्टर। इसमें हमारे पास, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा यूजर रजिस्ट्रेशन डीटीओ, ठीक है, और यूजर डेटा। ठीक है, ये यूजर का डेटा हमारे पास यहां पर इसमें हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास लॉगिन होगा, तो वो भी हम लोग बनाएंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग ऐड करेंगे, JWT हम लोग ऐड करेंगे, उसका जो की है वो भी ऐड करेंगे। तो अगर आप लोगों को लिटरली कुछ सीखना है तो वो आप लोगों को सीखना पड़ेगा मेंबरशिप से। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो अभी फिल कर दीजिए। ये देखिए जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है, आप लोगों को पता है 100 रुपीज बढ़ चुके हैं, ऐसे ही ये रेट बढ़ता जाएगा। जिनको अब पता है वो लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके आगे का पार्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
आज के लिए बहुत है, और नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा सा वेट कीजिए, कल ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी इसका कंप्लीट करेंगे।